YouTube के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल जन्म कुंडली निर्माण वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। जिज्ञासुओ, आज मैं आपके समक्ष फरवरी 2021 का राशि भविष्य सिंह राशि वालों का वर्णन करने जा रहा हूं। देखो, सिंह राशि एक जो है स्थिर राशि है और अग्नि तत्व की राशि है, तो सिंह लग्न अग्नि तत्व होने से हमेशा गर्म मिजाज के होते हैं, क्रोध जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन अनलगल गुस्सा नहीं, संत हृदय भी होते हैं, सज्जन होते हैं, लोग दुष्ट नहीं होते, सहज स्वभाव के होंगे, सज्जन होंगे, और गुस्सा फुसफुसा रहता है, ऊपर से हृदय से नहीं करते, ये गुस्सा कंठ से करते हैं, चिड़चिड़ापन सा रहता है इनका, फुसफुसाने वाले। एक तो ये बात है, और भूखा शेर जो होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है, तो इनकी मांझ में कोई अगर चला जाए तो किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए जहाँ इनकी आजीविका है, जहाँ इनका कैरियर बना है, जहाँ इनको लाभ होता है, उसको अगर कोई टच कर दे तो इनके बराबर खतरनाक कोई नहीं होते। इतना ध्यान, क्योंकि वो अपने अच्छा एक बार संतोष ही इसलिए होते हैं, इन शेर का जब पेट भर जाता है तो वो अपनी मान में सो जाता है, उसको फिर सामने से निकल जाए कोई शिकार तो उसको खाना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इनकी पूर्ति हो जाए, इनके दिन पूरा हो जाए और इनको संतुष्टि बहुत जल्दी आ जाती है, पर इनकी खाना पूर्ति होना चाहिए। ये स्वभाव होता है सिंह लग्न राशि वालों का। और ये सिंह यानी शेर होता है, शेर जो है उनका जो है तो चौड़ी छाती होती है, पतली कमर होती है, लंबे पैर होते हैं, हाथ होते हैं, और तामिया रंग की आंखें होती हैं, जबड़ा थोड़ा बड़ा रहता है। ये सिंह लग्न राशि वालों का मैंने स्वरूप बताया, ऐसे होते हैं। इनके सिर के बाल कम पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं होते। इस प्रकार से इनका स्वभाव बताया, स्वरूप बताया, और ये हमेशा चलायमान तो नहीं रहते हैं, लेकिन चलायमान कब होते हैं, जब इनको शिकार खेलना है, तो इनके मार्ग में किसी को जाना नहीं चाहिए, इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये एक विशेषता पाई जाती है। अब ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा इस महीने में, वो बता रहा हूं। सिंह का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य जैसे तेजस्वी होते हैं वैसे ही सिंह लग्न राशि वाले व्यक्ति तेजस्वी होते हैं। इनका इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है, प्रभावशाली होते हैं और धीर और गंभीर होते हैं, जल्दी ये परिवर्तन नहीं करते किसी चीज़ का, बहुत सोचेंगे समझेंगे तब परिवर्तन करेंगे, ये सिंह राशि वालों का। और सिंह राशि वाले व्यक्ति इनका ग्रह स्थिति कैसी रहेगी, इसका स्वामी सूर्य होता है और सूर्य के ऊपर पूरा महीना निर्भर करता है। इस फरवरी 15 तक तो जो सूर्य हैं इनके रहेंगे कहाँ, वृषभ राशि पर, यानी मकर कुंभ राशि पर रहेंगे। वो कुंभ राशि से 15 फरवरी के बाद ये मीन राशि पर चले जाएंगे, तो जब तक ये कुंभ राशि पर रहेंगे, कुंभ राशि सूर्य की नहीं है, शनि की है, और सूर्य वहाँ पर बैठते हैं, अपने पिता पुत्र सूर्य शनि हैं, तो अपने पुत्र की राशि पर जब सूर्य बैठते हैं तो बड़े प्रफुल्लित हर्षित होते हैं, इसीलिए प्रकृति भी अपना रंग दिखाने लगती है। जब पुत्र की राशि पर सूर्य जाता है यानी वृषभ राशि पर, वृषभ के कुंभ राशि पर जब सूर्य जाते हैं, उस समय की एक महीने की स्थिति आप देखो, बसंत ऋतु आती है, वही बसंत का समय होता है,
प्रकृति पृथ्वी हर्षित पुलकित और प्रफुल्लित होती है। नए नए पौधे आ जाते हैं, नए नए कोपलें आ जाती हैं, वृक्ष प्रफुल्लित होने लगते हैं और केसरिया रंग के जैसे फूल खिलने लगते हैं। अनेक जगह प्रकृति अपना स्वरूप ही परिवर्तन कर देती है और अनेक प्रकार से पृथ्वी आनंदित हर्षित पुलकित होते और शीतल मंद सुगंध वायु रहती है, सुगंधित वायु बहती है, शीतलता लिए हुए रहती है, मधुर वायु धीमी गति से बहती है। इस प्रकार से वायु भी अपना स्वभाव बदल देती है, प्रभाव बदल देती है, मार्ग बदल देती है और मनुष्य की प्रकृति के अनुसार घुल मिल जाते हैं। और बसंत में और क्या विशेषता होती है, बसंत ऋतु में आदमी का जो है तो वासना बढ़ जाती है क्योंकि बसंत में अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलात पंचयते पंच भाणस सहायका। इस समय जो आम्र वृक्ष हैं उनकी जो है तो कलगी खिलने लगती है, उनको कोपल आ जाती है, नए नए कोपल उसके साथ में मोरने लगते हैं, मतलब उनमें फल देने की क्षमता आने लगती है। इस प्रकार से बसंत, और ये कौन समय होता है, जब कुंभ राशि के सूर्य होते हैं तब, क्योंकि कुंभ राशि में ही क्यों होते भाई, वो अपने पुत्र की राशि पर जब पिता जाता है तो उसको तो प्रफुल्लित होना चाहिए। पुत्र जो है तो सजावट करके अपने पिता का स्वागत करता है, भलाई विरोध है आपस में, विरोध होने के पश्चात भी अपने पिता का पूरा स्वागत करते हैं शनिदेव। इस प्रकार से कुंभ राशि के सूर्य बहुत उत्तम माने जाते हैं और सूर्य अच्छे हो जाएंगे। शनि महाराज की स्थिति क्या रहेगी, जब शनि महाराज सिंह राशि है तो इस समय सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु और मकर राशि पर चल रहे हैं, वो छठ में चल रहे हैं। छठ में जब शनि जाते हैं तो छठमा घर रोग शत्रु झगड़े का है, वहां विनाश करेंगे, शनि जहां बैठते हैं विनाश करेंगे, लेकिन वायु की पीड़ा दे देंगे, गैस स्टेबल पेट में परेशानी ये बढ़ जाएगी, ये गैस स्टेबल पेट में परेशानी वायु की पीड़ा होने लगेगी जब छठ में सूर्य। और दूसरा आपके अपव्यय यानी कहां होगा लाभ, बड़े भाई बहनों से हानि होना है क्योंकि शनि की दृष्टि जा रही है। और आपके धन से कुटुंब से संबंधित धन से संबंधित कुटुंब में विघटन परेशानी विरोध विवाद ये सब होना लगता है, ये आपके शनि महाराज की दृष्टि के कारण होगा। गुरु महाराज क्या करेंगे, गुरु महाराज भी इस समय सिंह राशि वालों के लिए छठ में चल रहे हैं। छठ में जब गुरु होते हैं, गुरु जहां बैठते हैं वहां चिंता कारक होते हैं। छठ में गुरु रोगों को की चिंता बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र विकास करने वाला पिता का स्वास्थ्य स्वभाव स्वरूप और पिता का सहयोग दिलाने वाला होगा आपके फरवरी मास में सिंह राशि वालों का। कर्म क्षेत्र जिनका विघटित हो गया है वो कर्म क्षेत्र बन जाएगा, कर्म क्षेत्र में एक विशेषता व्यवस्था संस्म हो जाएगी। और कर्म क्षेत्र होने के साथ साथ में यही गुरुदेव अच्छे का मतलब लाभ मार्ग में प्रशस्त बनाएंगे, बड़े भाई बड़ी बहन और लाभ भाव, ये ग्यारहवां भाव होता है, यहाँ आपको विशेष लाभ होगा। रुकावट अगर लाभ में हो गई है तो यहाँ से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये छठ में गुरु की स्थिति है और साथ साथ में क्या होगा, आपके जो धन है कुटुंब है परिवार है परिजन है इनसे सहयोग भरपूर मिलेगा, धन की परिपूर्ति होगी, स्थायी प्रॉपर्टी बनाने का भी शुभ संकेत मिल रहा है सिंह राशि वालों के लिए, ये गुरुदेव की कृपा रहेगी। और शुक्रदेव अभी जो चल रहे हैं धनु राशि से उतर के और ये 28 तारीख को शुक्रदेव जब पहुंच जाएंगे मकर राशि पर,
मकर पर रहेंगे और 21 फरवरी को यही शुक्रदेव कुंभ पे पहुंच जाएंगे। कुंभ पे पहुंचने के बाद आपके साथ में हो जाएंगे, साथ में शुक्र कह रहे हैं स्त्री का सहयोग, पत्नी का भरपूर समर्पण और स्त्री जाति से लाभ, ये सब होने वाला है। और 22 फरवरी को बुधदेव जो है सो अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से और बकरी होकर के यहाँ आएंगे, पुनः मकर राशि पे आएंगे। और अभी 25 जनवरी को ये मकर राशि से आगे चल करके कुंभ राशि में पहुंच रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए जब पहुंचेंगे तो आपकी राशि से ये छठवे हो जाएंगे, तो व्यापार में थोड़ा नुकसान, लेकिन बकरी होंगे 22-21 फरवरी के बाद तो बहुत ही अच्छा सुफल देने वाले बनेंगे। और राहुदेव की स्थिति क्या है, राहुदेव अभी जो है तो चल रहे हैं वृषभ राशि पे चल रहे हैं और आपकी राशि सिंह है, एकादशे यानी दसवें भाव पर हैं। राहु जब दशम पे जाते हैं तो कर्म क्षेत्र को बिगाड़ते हैं, पिता का स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, ये सब थोड़ा बहुत मामूली ऐसा परेशानी हो सकती है। मंगल देव की स्थिति क्या रहेगी, मंगल देव जो है अभी 22 फरवरी को मंगल अपना राशि परिवर्तन मेष से उतर करके आगे चल करके वृषभ पे पहुंच जाएंगे। अभी 12वें मंगल चल रहे हैं, खर्च ज्यादा करा रहे हैं, 22 फरवरी के बाद में यही मंगल आपके राशि पर पहुंच जाएंगे, आपका खर्च कम हो जाएगा, खर्च में परेशानी जो हो रही वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार से पूरे ग्रहों का मैंने राशि परिवर्तन का ये सब बताया। केतु की महाराज की स्थिति क्या है, वृश्चिक राशि पर केतु चल रहे हैं तो, और आपकी सिंह राशि सिंह कन्या तुला वृश्चिक चौथे केतु हैं, चतुर्थ केतु में माता को कष्ट देने वाले होंगे, भवन में वाहन में कोई नुकसान हो सकता है, टूट फूट हो सकती है, इस प्रकार से केतु जो है सो थोड़ा बिगाड़ करने वाले रहेंगे, डेढ़ साल रहेंगे, इसलिए चिंता मत करना, केतु भी शांति कराते रहना। तो सब प्रकार से 9 ग्रह आपके अनुकूल वातावरण, कभी प्रतिकूल वातावरण मिला जुला फल देने वाले, सिंह राशि वालों के लिए पूरा महीना आनंद मंगल हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।